सुबह 7 बजे से 73 सीटों पर यह वोटिंग की शुरुआत हुई है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। 15 जिले इसके तहत आते हैं और एक लिहाज से कहें तो सबसे मुश्किल दौर में राजनीतिक दलों के लिए शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को बचाना है, जमीन को बनाना है। और सुबह 7 बजे से यहां जो मतदान शुरू हुआ है उसमें वोटरों की तादाद इस इलाके में तकरीबन 2,60,00,000 ये कुल मतदाता है। पोलिंग स्टेशन जो है वो 26,823 है। बड़ी जबरदस्त चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि इन सब के बीच जो ये पूरी की पूरी लकीर है उसमें मुजफ्फरनगर भी है, शामली भी है, मेरठ भी है, मथुरा भी है, आगरा भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, कासगंज भी है। और ये पूरी की पूरी जो पट्टी है जो सटी हुई है एक लिहाज से आप कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब शायद गन्ना किसान हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का वो इलाका हो सकता है जो बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश से इतर बिल्कुल हटकर होता है। और ये हम आपको बता दें कि दरअसल 2012 और 2014 के लोकसभा चुनाव से इतर नए तरह के राजनीतिक मिजाज गठबंधन के तौर पर और सियासी तौर पर इन जगहों पर बन रहे हैं।